भैया इसके बारे में, इस ऑटो के बारे में। ये है 2015 मॉडल जी, फर्स्ट ओनर गाड़ी है जी, धनबाद नंबर की। और मतलब बैंक से खींचा हुआ भी रहता है क्या? हाँ, बैंक से खींचा हुआ भी रहता है, रहता है ना। हाँ, ये है पियाजो का 2017 मॉडल। और फाइनेंस की सुविधा है? फाइनेंस अभी तो सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल सुमित ब्लॉग्स। आप लोगों के लिए एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज मैं फ़िलहाल आया हूँ धनबाद। आपने देखा जमशेदपुर की वीडियो, उसके बाद आपने देखा रांची का वीडियो, अब मैं फ़िलहाल आ गया हूँ धनबाद में और सेकंड हैंड ऑटो की वीडियो लेकर, ऑटो रिक्शा जिसे टेम्पू भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये वीडियो का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि ऑटो रिक्शा दिखाइए, टेम्पू दिखाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइन से कितने सारे यहाँ पर टेम्पू लगे हुए, 5 टेम्पू। और अभी मैं आया हूँ बरवड्डा में, यहाँ पे देख सकते हैं तमन्ना व्हीकल है। तो यहाँ का वीडियो आज मैं बना रहा हूँ सेकंड हैंड ऑटो की, तो आपको पूरा देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑटो का कितना प्राइस है, पेपर वगैरह में क्या क्या मिल रहा है, पेपर वगैरह क्लियर है या नहीं, कितना किलोमीटर चला हुआ है, ऑनर फर्स्ट या सेकेंड है, सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को पहली बार देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे देख लो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, बगल में घंटा होगा, उसे भी दबा के ऑल पे कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँगा आपके मोबाइल में सबसे पहले चला जाएगा। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और आपको बता दूँ अभी मैं रोड के साइड में हूँ तो थोड़ा नॉइज़ आएगा, तो थोड़ा कंट्रोल आप मैनेज कर लेना। तो अभी भैया को बुलाते हैं और जानते हैं यहाँ पे जितने सारे ऑटो सबका प्राइस वगैरह, तो वीडियो पे आप बने रहिए। आइए गाइज यहाँ पे भैया से सबसे पहले बात करते हैं। तो भैया सबसे पहले आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सबसे पहले अपना इंट्रो दीजिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद असलम अंसारी जी। और ये आपका जो शोरूम एक्चुअली है कहाँ पे, पूरा एड्रेस बताइए मेरे सब्सक्राइबर को ताकि आने में दिक्कत ना। ये बरवड्डा किसान चौक से लोहार बरवा से थोड़ा सा आगे आइएगा, उसके बाद देखिएगा मतलब राइट साइड में तमन्ना व्हीकल है ना जी। और ये बता देता हूँ आपको, यहाँ पे देख लो ये 4 लाइन है, तो यहाँ पे थोड़ा नॉइज आएगा तो थोड़ा आप मैनेज कर लेना। तो भैया ये बताइए यहाँ पे जो ऑटो, आप कौन सा ऑटो रखते हैं? ऑटो पियाजो का रखते हैं, अतुल का रखते हैं जी। और मतलब बैंक से खींचा हुआ भी रहता है क्या? हाँ, बैंक से खींचा हुआ भी रहता है, रहता है ना। हाँ, और फाइनेंस की सुविधा है? फाइनेंस अभी तो मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन स्टार्ट होने के बाद हो जाएगा। मतलब कब तक स्टार्ट हो जाएगा? 1-2 महीना के अंदर। 1-2 महीना में फाइनेंस स्टार्ट हो जाएगा, देख लेना आप। तो भैया का नंबर डिस्प्ले में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसके थ्रू आप कॉल करके यहाँ तक पहुँच लेना, ठीक है ना भैया? तो इसके बारे में सबसे पहले बताइए कौन सा ऑटो? ये है पियाजो का 2017 मॉडल, समझे। इसका दाम है 1,40,000 रुपया। 1,40,000 जी। और ये कितना चला हुआ कुछ बता सकते हैं? ये चला होगा वही 35-40,000 किलोमीटर। 35-40,000 जी। इसका ओनर फर्स्ट या सेकेंड है? फर्स्ट ओनर है और गाड़ी में सारा पेपर ओके है। हाँ। मतलब टैक्स, फिटनेस, इंश्योरेंस, सब सारा चीज़ बना के देंगे, सब अपडेट करके दिया जाएगा ना। और गाड़ी में कोई खर्चा वगैरह? ऐसा तो 1 रुपया खर्चा नहीं है, गाड़ी लीजिए और सीधे चलाइए, कुछ खर्चा नहीं है ना। खर्चा नहीं, 1 साल 1.5 साल तक कोई खर्चा अभी नहीं मांगेगा। और नंबर कहाँ का भैया? नंबर धनबाद नंबर है। धनबाद नंबर है। पहले आपको ऑटो दिखाते हैं चारों तरफ से, गाड़ी कैसा है, कंडीशन में है नहीं। भैया इसके बारे में, इस ऑटो के बारे में। ये है 2015 मॉडल जी, फर्स्ट ओनर गाड़ी है जी, धनबाद नंबर की। इसमें टैक्स, फिटनेस, इंश्योरेंस सारा चीज़ बना के हम लोग इसका दाम रखे हैं 1,20,000 रुपया। 1,20,000, उसमें कुछ कम होगा या नहीं? हाँ है, नेगोशिएबल है, देख लेना, नेगोशिएबल है। और क्या बोले थे भैया, पेपर का क्या चार्ज लगता है थोड़ा बता दे, जैसे नाम ट्रांसफर का? जैसे नाम ट्रांसफर में 3,000-3,500 रुपया खर्चा होगा। और अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पे है कुछ? हाँ, अदर स्टेट कहीं भी सेम वही है, वही कंडीशन है, दोनों का चार्ज एक ही है? हाँ, एक ही है। 3,000-3,500 के आसपास लगेगा ना, देख लेना, 3,000-3,500 के आसपास लगेगा। चलिए दूसरा ऑटो की तरफ चलते हैं, इसके बारे में बताइए भाई ये कौन सा ऑटो? ये है 2018 की जी,
ओनर फर्स्ट या सेकंड है? फर्स्ट ओनर है। ये कितना चला हुआ है? ये गाड़ी ज़्यादा नहीं, वही 20,000 किलोमीटर चला होगा। 20,000 जी। और इसका क्या कीमत रखें? इसका कीमत रखे हैं 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख जी। फिक्स प्राइस की कम हो? इसमें कुछ है आगे पीछे कुछ हो जाएगा। पेपर वगैरह? पेपर सारा पेपर इसमें सेम उसमें जो है ना, सबके साथ पेपर पूरा मिलेगा? सारा पेपर मिलेगा, जितना गाड़ी है हम लोग के यहाँ सारा गाड़ी का पेपर एकदम अपडेट करके देंगे। गाड़ी में कोई खर्चा वगैरह? खर्चा 1 रुपया खर्चा करने का जरूरत नहीं है। आप कोई भी मिस्त्री लेकर आइए, दिखा लीजिए, ड्राइवर चला के देख लीजिए, ऐसा कोई खर्चा नहीं है, 1 रुपया नहीं है। गाड़ी नंबर कहाँ का है? ये धनबाद नंबर है, देख लेना, धनबाद नंबर है। अभी जितना गाड़ी है सब धनबाद नंबर की गाड़ी है, देख लेना, सारा धनबाद नंबर है। नाम ट्रांसफर तो हो ही जाएगा? हाँ, नाम ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसका कीमत है फिर से बताइएगा? इसका 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख उसमें कम होगा जी, देख लेना, नेगोशिएबल है। तो इस ऑटो के बारे में बताइए। ये है 2017 की जी, इसका है रेट 1,40,000 रुपया। 1,40,000। ओनर फर्स्ट या सेकेंड है? फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर है। ये कितना चला हुआ? वही सेम वैसे ही चला होगा, 20,000। 20,000 ना। गाड़ी अच्छे कंडीशन में पूरा, थोड़ा अंदर से दिखा देते आपको कि सीट वगैरह कैसा है, देख सकते हैं अंदर से कंडीशन। कोई खर्चा नहीं है ना इसमें? जी कोई खर्चा नहीं है, बस गाड़ी में अपना तेल डालिए लेके निकल जाइए ना। हाँ। इसका भी पेपर क्लियर मिलेगा? सारा पेपर क्लियर। चलिए, गाड़ी अच्छा कंडीशन में। इसके बारे में बताइए भाई, ये कौन सा ऑटो? ये 2014 की है जी, इसका 1,10,000 रुपया हम लोग दाम रखे हैं। 1,10,000 बताओ फाइनल प्राइस? फाइनल है, उसमें कुछ हो जाएगा ऊपर नीचे, आइएगा हो जाएगा ना जी। ये मतलब कितना चला हुआ है? ये थोड़ा ज़्यादा चला होगा, वही 40,000 किलोमीटर के करीब। और ओनर इसका भैया? इसका ओनर फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर जी, देख लेना, फर्स्ट ओनर गाड़ी। इसमें भी कोई खर्चा नहीं? कोई खर्चा नहीं। अगर कोई जैसे आपको कॉल किया जमशेदपुर से कि वहाँ पे गाड़ी भिजवाना या रांची से कहीं से भी, तो यहाँ से वहाँ तक भेज सकते? हाँ, भेज सकते हैं। उसके लिए क्या मतलब प्रोसेस थोड़ा बता दीजिए? इसके लिए प्रोसेस कुछ नहीं, पहले यहाँ आके गाड़ी सामने बैठ के लेना होगा उसको, उसको सारा पेपर देना होगा, उसका नाम उसका ट्रांसफर कर देंगे उसके। हाँ, बाद पेपर गाड़ी में क्या क्या लगेगा वो भी बता दीजिए, अगर कोई ऑटो लेने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा लेने के लिए। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है जी, बस आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए, और कैश। हाँ, और फोटो चाहिए उसका? दो फोटो जो, दो देख लेना, दो फोटो लगेगा, उसके बाद ले जा सकता है ना। हाँ, उसके बाद ले जा। तो देख लेना, भैया का नंबर डिस्प्ले में भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसके थ्रू आप भैया तक पहुंच जाना। भैया मेरा कोई सब्सक्राइबर आता तो कोई डिस्काउंट दीजिएगा? जी एकदम दीजिएगा ना। हाँ। देख लेना भैया, डिस्काउंट कर देंगे तो। भैया थैंक यू। और इसके बाद देखना, एक ट्रक की वीडियो आएगी ना भैया? इसके बाद ट्रक की वीडियो आएगी, वो भी आप देख लेना। जितने सारे ऑटो यहाँ पे लगे हैं सबका डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, और सच बता रहा हूँ सारा ऑटो अच्छे कंडीशन में है। अगर आप में से किसी भाई लोगों को ऑटो चाहिए हो, बहुत सारे भाई लोगों के पास पैसा नहीं होता है न्यू खरीदने का, तो आप सेकंड हैंड यहाँ से ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे ले लेना, नंबर दे देंगे। बहुत सारे भाई लोग कमेंट किए थे, तो मैं स्पेशली वो भाई लोगों के लिए बनाने के लिए धनबाद आया हूँ। तो आप ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सपोर्ट करना है, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे देख लो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, बगल में घंटा को से भी दबा के ऑल पे कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा आप तक सबसे पहला नोटिफिकेशन चला जाएगा। सब्सक्राइब करोगे तो ही जाएगा नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।